इधर कमल कमल पिल्ला लाकर पूछते हैं उधर। ये लिटिल टेस्टर जेल में हमारे। ओ नो, ये हम लोगों ने रास्ते में रोका है। माई मेरे हब्बी। ओहो हब्बी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम लोग निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं मामू हम लोग? आज रामा नायडू स्टूडियोस जा रहे हैं हम लोग, थोड़ी बहुत दूर में है इधर, तो उधर चलते हैं और फिर उधर जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है, कैसा है उधर का रामा नायडू स्टूडियोस। ऋषिकोंडा के सामने, ऋषिकोंडा बीच के सामने ये रामा नायडू स्टूडियोस। तो चलिए अभी हम लोग निकले तो चलते हैं। ये पीछे कार में आए तो और बाकी लोग भी है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं। मामू यहाँ से कितने दूर में रहता है? हाफ एन आवर की दूरी में है यहाँ से। अच्छा, गीतम कॉलेज करके एक बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज को पार करके थोड़ी दूर में है। ये हम लोगों ने रास्ते में रोका है लस्सी खरीदने के लिए। मामू इधर आए विशाखा डेयरी पार्लर पे, लस्सी लेके चलते हैं फिर। मामू हम लोग लस्सी लेके निकल गए। मामू अब नेक्स्ट क्या आने वाला? इधर अप्पू घर पे लिखो था सीधा अप्पू घर। अच्छा, सीधा अप्पू घर आएगा, अप्पू घर पार करके फिर एक और पार्क आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, वो पार करके फिर हम लोग जाएंगे आरकेएसटी, नहीं रामा नायडू स्टूडियो। और ये देखिए यहाँ पे एक बिरयानी सेंटर आ गया है, बिरयानी सेंटर है। अच्छा, तो ये जू का बैक साइड का एंट्रेंस है इधर। अच्छा चलो मामू, लेट्स गो। ऑल राइट, तो मामू हम लोग आ गए राइट। हम लोग अभी टिकट्स लिए हैं रामा नायडू स्टूडियोज का, टिकट लेके अभी जस्ट एंटर हुए हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। एक्चुअली मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा बीच है, ये रूट ऐसा होता है, आप ऐसे आओ एकदम से और पीछे ऐसा, और आगे भी है, मैं बताता हूँ एक सेकेंड। चलो मामू लेट्स गो। तो हम आ गए अभी रामा नायडू स्टूडियोज में। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जो सारे बिल्डिंग्स है राइट, इस साइड पे पूरे बिल्डिंग्स और इस साइड पे भी, ये सब जो है टेली सीरियल्स या फिर मूवीज के लिए ये पूरा सेट्स है पूरे से। तो ऐसे ये सारे बिल्डिंग्स इधर, इट्स नॉट ह्यूज, आप अगर रामोजी फिल्म सिटी देखे होंगे तो उतना बड़ा नहीं है, बट इट्स गुड इनफ, इट्स डिसेंट। और यहाँ की एक और बात है कि स्पेक्टाकुलर व्यू है, जैसे मैं कैमरा इधर करता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये पहाड़ पे और दूसरे साइड पे पूरा बे ऑफ बंगाल, इट्स ऑल सी देयर, एंड ऑल्सो बिकॉज वे ऑल सराउंडेड बाई हिल्स, तो ये बहुत ही ब्यूटिफुल लोकेशन हो जाता है, दैट एड्स एन एडेड एडवांटेज टू दिस प्लेस। तो उस हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत है, मैं कवर करता हूँ जितना हो सके उतना। लेट्स वॉक फॉर नाउ। मैंने इधर पूछा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे अभी जो है एक एड फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो बाहर जा रहे थे और प्रोडक्शन यूनिट भी जो भी खाना था वो सब रैप अप कर रही थी, उसमें बिजी थे ये लोग। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दिखा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला सीन, ये सेट बिल्कुल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह लग रहा है और यहाँ पे काम भी चल रहा है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत जल्द कोई फिल्मिंग होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें एक टेम्पल भी दिखा और यहाँ पे हमें दिखे मशहूर रेवोल्यूशनरी सिंगर कम पोएट गद्दर साहब।
जैसे मैंने उनको देखा तो मुझे लगा शायद कैमरा उनकी तरफ पॉइंट करना वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो मैंने कैमरा को जो है पलटा दिया था दूसरे साइड पे। बट दिस पर्सन इज सो हम्बल के उन्होंने हमें देखा एंड देन ही कॉल्ड अस। फिर हम लोग गए, उनसे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स भी लिए एंड ही वॉज वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फोटो दिखो चाहे तो। ये पूरा ऐसा एक कॉलोनी जैसा बनाया है, ये ऐसा एक कॉलोनी जैसा बना के रखा है। यहाँ पे एक म्यूजियम जैसा भी बना के रखा है जहाँ पे सारे जो कैमरा से यानी अर्ली डेज से अब तक के द वे द कैमरा टेक्नोलॉजी हैज चेंज, तो वो सारे कैमरास को यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा है। अंदर फिल्मिंग नॉट अलाउड थी तो इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट लिटरली हमने देखा एक रूम जितना बड़ा कैमरा भी है उधर। सो फ्रॉम दोज डेज ऑफ हैविंग सच ह्यूज कैमरास टू प्रेजेंट डे ऑफ टेक्नोलॉजी, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल जर्नी द वे टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड। अम्मी मामू क्या है ये? ये वो ना, ये पूरे सुरेश प्रोडक्शंस के है क्या सर? अच्छा ये कैमरा ये है आलम आरा, इसके बारे में अम्मी इधर है, अम्मी के पास जाएंगे चलो। बोलो बोलो आलम आरा कौन गए, कौन कौन गए, क्या है उसका किस्सा बोलो। ये फर्स्ट मूवी मेरे सास ससुर बहुत खुश हुए ये आला मरा मारने से, सब मिलकर सिनेमा ये चल गए मूवी देखने के। श्रीकाकुल में गए थे, कौन कौन गए थे बोलो, परवाह नहीं बोलो। मेरे ससुर सास जेठ जठानी देवर देवरानी माई मेरे हब्बी। ओहो हब्बी चलो सब मिलकर गए। मेरे सास ससुर असल पिक्चर नहीं देखते, आला मरा देखते। हाँ बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके, बहुत पीसफुल था। और एक तो ये हिल टॉप पे है और उसके आगे सारा समंदर ये है और बाकी साइड्स पे पूरे पहाड़ है, तो ये जगह इंतहाई खूबसूरत बन जाती है। इनफैक्ट वाइजाग ही पूरा एक ब्यूटीफुल सा टूरिस्ट लोकेशन है। तो आपको कभी मौका मिले तो इस सिटी ऑफ डेस्टिनी को ज़रूर आना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इस ब्यूटीफुल सिटी से मोहब्बत ना हो। मेरा बहुत मन था कि मैं अम्मी के साथ ये ईस्टर्न घाट्स को और एक्सप्लोर करूं, पास में जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट अरुकू वैली है उसको एक्सप्लोर करूं, और इनफैक्ट थोड़ा आगे जाके विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम के बीच में जितने भी लोकेशंस है इन सबको आप तक लेके आऊँ, इसकी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी। बट अनफॉर्चुनेटली वो तो पूरा हुआ नहीं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा आई विल ट्राई टू कवर दीज लोकेशंस। लकीली मैंने ये व्लॉग ले लिया अम्मी के साथ, तो यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट व्लॉग बन गया उनके साथ, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोगों को कोविड हुआ और फिर देन वी लॉस्ट मॉम, वो सब आपको पता है क्योंकि मैंने इन डिटेल में ये सब चीजें आपसे शेयर की थी एक पिछले व्लॉग में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों इधर कमल कमल पिला लाकर पूछते हैं उधर। यहाँ पे हमें दिखा कुछ हंगामा जैसे चल रहा था, तो हमने पूछा तो हमें पता ये चला कि यहाँ पे उगादी फेस्टिवल का एक एड शूट हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट का शूटिंग देखते हैं। और तो ये रहा पूरा रामा नायडू स्टूडियोस, जैसे मैंने पहले ही बताया था राइट, इतना ह्यूज बहुत ही बड़ा ऐसा नहीं है, छोटा है बट डिसेंट है, मतलब बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स एंड ऑल इट दैट गेट्स एन एडेड एडवांटेज टू दिस प्लेस। काफ़ी अच्छी, इट्स लाइक यू नो कूल ब्रीज फ्लोइंग अराउंड, इट्स रियली नाइस टू बी हियर सॉर्ट ऑफ ए थिंग है। बट अभी मैं जहाँ पे हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉबेबली लास्ट स्टॉप है, इसके बाद हम लोग बाहर निकल ही जाएंगे।
बट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये मैं पलटाया कैमरा ऐसे। जी हाँ, हम लोग आ गए पुलिस स्टेशन। ये है टू टाउन पुलिस स्टेशन महारानी पेट। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं पुलिस स्टेशन में होता क्या है। चलिए लेट्स गो। तो ये रहा पुलिस स्टेशन का सेटअप पूरा। और ये देखिए, ये देखिए जेल में कौन बैठा है। ये है लिटिल टेस्टर जेल में हमारे। ओ नो, हेलो लिटिल टेस्टर। अरे ये लिटिल टेस्टर भाग रही है जेल। मैं दिखाता हूँ, ये पूरा सेटअप ऐसे रखा है इधर। ये फेक है, पूरा फेक ही ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स यूज्ड फॉर फिल्मिंग। तो ये पूरा मैं फल, ये पूरा सेटअप ऐसा है जेल का। ये आई थिंक जब भी मूवीज की शूटिंग होती है तो यहाँ पे पूरा एकदम से भर दिया जाएगा। और ये क्या है, ये भी एक रूम ही है। ये इंस्पेक्टर वगैरह का रूम हो सकता है ये, बट पता नहीं। दिस इज हाउ इट इज। तो अभी चलते हैं इधर से, ये लिटिल टेस्टर को बाहर निकाल के चलते हैं। और तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक और व्यू पॉइंट पे, राइट मामू? मामू ये क्या व्यू पॉइंट है क्या? यहाँ से पूरा समंदर। ओके चलिए लेट्स गो। ओ हो, ये देखिए जबरदस्त एकदम। ओए होए, ओए होए होए, ओ हो, क्या खतरनाक व्यू पॉइंट है ये एकदम पूरा। आए जतन बेटी इधर, ये देखिए वो पूरा समंदर है इधर पूरा। और ये देखिए भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त है ना, इट्स ऑसम व्यू। इज़न्ट इट? ये देखिए, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, हम लोग इसी रास्ते से आए थे। वो जो रोड है, वो रोड से हम लोग आई थिंक वो रोड पे हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया और फिर टिकट्स उधर एंट्रेंस पे परचेज करके उस साइड पे फिर ये ऐसे होते हुए हम लोग इधर आए। और ये जो है ये एंट्रेंस का गेट था, इधर से हम लोगों ने एंटर मारा और फिर अंदर पूरा जो है वो स्टूडियो से, राइट। और ये देखिए ये क्या, मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि ये ओरिजिनल बुल्स है, बट ये भी मेक ओवर बुल्स है ये सब। नाइस। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। रामा नायडू स्टूडियो से हम लोग आए, जितना हो सके उतना हमने कवर किया, आपको होपफुली पसंद आया होगा और अम्मी का इंट्रोडक्शन भी हो गया इस ब्लॉग में। तो नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं, बट अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू गाइस हैव नॉट डन इट ऑलरेडी, प्लीज डू कमेंट टू शेयर योर थॉट्स। नेक्स्ट ब्लॉग में वापस से मिलेंगे, अंटिल देन स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।